मुसलमानों पर केंद्रीय कानून मंत्री के बयान पर विवाद हुआ। एक कार्यक्रम में कहा, मुस्लिम हमें वोट नहीं देते फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है, रविशंकर की जानकारी गलत है, मुस्लिम पार्टी को नहीं उम्मीदवार और काम पर वोट देते हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, बीजेपी की सरकारें मुस्लिमों की भलाई के लिए काम करती रहेंगी। जेडीयू नेता अली अनवर का बयान, कहा यूपी में मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, रविशंकर ने इन दावों की खुद ही पोल खोल दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, बीजेपी को वोट दिया तो डेंगू के लिए दिल्ली वाले जिम्मेदार होंगे। केजरीवाल ने कहा, 10 साल से एमसीडी में बीजेपी है, वोट दिया तो अगले 5 साल भी गंदगी रहेगी, बच्चे चिकनगुनिया मलेरिया से बीमार होंगे। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने केजरीवाल के बयान पर कहा है, जन प्रतिनिधि को सोच समझकर बोलना चाहिए। केजरीवाल पर विजय गोयल ने कहा, ऐसा बर्ताव रहा तो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक राशन की दुकान में आग लगी, हादसे में 15 लोगों की मौत। हादसे के वक्त 100 से ज्यादा लोग राशन के लिए लाइन में लगे थे। छिंदवाड़ा के बारगी गांव में राशन की ये दुकान है। हादसे में मृतकों के परिवार वालों को शिवराज सरकार 4 लाख रुपए देगी। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, कहा छिंदवाड़ा में हुए हादसे से दुखी हूं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मृतकों के परिजनों को 10,000 और घायलों को 5,000 की सहायता देने का फैसला किया है। कल पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक करने वाले हैं। केंद्र के कई मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में पुलिस महकमे में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल, 7 आईएएस 12 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। सुलखान सिंह यूपी के नए डीजीपी बने, जावेद अहमद की जगह ले। 21 जून को योग दिवस पर योगी सरकार करेगी बड़े कार्यक्रम, लखनऊ में 51,000 लोग एक साथ योग करेंगे। यूपी को मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की तैयारी, शुरुआत में 40 जिलों को शामिल किया जाएगा, 35 जिलों के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में आज नेशनल हेरल्ड केस की सुनवाई होगी। केस के आरोपियों ने कोर्ट में अपना जवाब सौंप दिया है। आईआईटी खड़गपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली, हॉस्टल में पंखे से शव लटका मिला। एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन को टिकट में दिए जाने वाली रियायत की उम्र अब घटा दी है, यानी कि अब घरेलू उड़ानों में 63 साल की बजाय 60 साल से ही छूट मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की नई पहल है, टिकट बुकिंग और ई केटरिंग के नियम में बदलाव किया गया, अब 4 घंटे पहले ही चार्ट तैयार हो जाएगा। भारत ने युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, दुनिया के विशेष क्लब में अब भारत हुआ शामिल। उत्तर प्रदेश के संभल में बेटी पैदा होने पर एक युवक ने पत्नी को घर से निकाल दिया, 3 तलाक की धमकी दी है। दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, महिला ने सीएम योगी से इंसाफ मांगा है। अमरोहा में नेटबॉल की नेशनल खिलाड़ी 2 साल से इंसाफ के लिए भटक रही है, लड़की होने पर पति ने तलाक दे दिया। कानपुर के एक कैफे पर नशा परोसने का आरोप है, खाद्य विभाग ने छापा मारा, भारी मात्रा में विदेशी नशीले कैप्सूल बरामद हुए, मालिक पर केस दर्ज। यूपी के बहराइच में दलित नाबालिग से रेप का आरोप है, गांव का आरोपी युवक फरार। मेरठ में कश्मीरियों को यूपी छोड़ने के लिए कहने वाले विवादित होर्डिंग पुलिस ने हटा दिए हैं, केस भी दर्ज किया, कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 4 तस्कर गिरफ्तार हुए, 510 ग्राम हेरोइन और नकदी बरामद। एमसीडी की 272 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 56,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली चुनाव आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, चुनाव से जुड़ी हर जानकारी इस पर मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, एमसीडी चुनाव में वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली में गर्मी से मिल सकती है राहत, अगले 2 से 3 दिन में पारा 3 से 4 डिग्री गिर सकता है, मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिस्टल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, मध्य प्रदेश से लाकर दिल्ली में बेचने की कोशिश की। दी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2017 के विरोध में दिल्ली के वकीलों का प्रदर्शन, बिल को वकीलों के खिलाफ बताया। थाने महानगर पालिका में अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला, 200 से ज्यादा झोपड़ियां तोड़ दी गई। महाराष्ट्र के भंडारा में 17 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे नया विश्व रिकॉर्ड, 52 घंटों तक लगातार डिशेस तैयार करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती कटिहार पहुंची, नमामि गंगे के तहत साहिबगंज में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
बिहार में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बीजेपी ने चिकित्सा की बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। बिहार के नालंदा में दूध कारोबारी की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, इलाके में दहशत। बिहार के बेगूसराय में लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया, बारात में डीजे नहीं लाने पर फैसला लिया, दूसरे लड़के से शादी। इंदौर के एक मॉल में शोरूम मैनेजर पर चेंजिंग रूम में लड़की का वीडियो बनाने का आरोप लगा है, परिवार वालों ने पिटाई की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बम विस्फोट हुआ, 9 की मौत, तृणमूल और माकपा समर्थित माफियाओं के बीच खनन को लेकर वार। राजस्थान में सिरोही के खेत में आग लगी, किसान का सारा सामान जल गया, गांव वालों ने आग बुझाई। उज्जैन में इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के घर दिन दहाड़े चोरी, 22 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी, 15,000 नगद लेकर चोर फरार। असम के कामरूप जिले में बड़ी साजिश नाकाम हुई, 600 जेलेटिन की छड़, 450 डेटोनेटर बरामद हुए। उत्तरी अफगानिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर पर तालिबान का हमला, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, राष्ट्रपति ने इसकी निंदा की है। इस्तांबुल नाइट क्लब पर हमले के लिए जिम्मेदार आईएसआईएस आतंकी सीरिया में ढेर हुआ, अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मार गिराया, हमले में 39 लोगों की जान चली गई।